गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनामिका सानवी ब्लॉग। अभी सुबह के 9 बजे हैं और आज मैं अभी अभी चाय लेके आई हूँ और आज ईस्टर संडे है, तो लेट्स सी आज का क्या प्लान है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक करी, तो अगर आपको देखना है एक करी का रेसिपी तो फिर चलिए। मैंने हॉट पैन में डाला है 2 बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 मीडियम साइज़ ओनियन बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और आधा छोटा टुकड़ा दालचीनी। और इधर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ, अदरक आधा इंच और लहसुन 6-7 कली, और उसको मैंने कूट लिया है और उसमें डाल रही। 1-2 मिनट ओनियन को फ्राई करने के बाद मैं डाल देती हूँ, जिससे कि जो भी उसका अदरक का और लहसुन का जो स्मेल होगा वो चला जाएगा। और अभी से मैं धीमी आँच पे फ्राई करूँगी। इधर मैंने सस्पेन में एग्स को बॉईल होने रख दिया था और यह मेरा एक कुक हो चुका है। इधर मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ टोमेटो डालूँगी और इसमें 1/2 छोटे चम्मच सॉल्ट, और फिर इसको थोड़ा सा स्टर करके मैं इसे कवर कर दूँगी और धीमी आँच पे पकाऊँगी, इससे अच्छा स्वाद आता है। अब 5 मिनट हो गए, अभी मैं चेक करती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ओनियन और टोमेटो सब अच्छे से पक गया, टोमेटो भी मैश हो गया है। तो अब मैंने जो मसाले तैयार करके रखे थे, इसमें जैसे मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, जो भी आपके पास और भी मसाले हो, मैंने जैसे मीट मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला और हल्दी सबको अंदाज से मिक्स करके रखा था पानी में। इससे क्या होता है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें मैंने आप देख सकते हैं डाल दिया, और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसको मैंने कवर कर दिया और इधर जो एग्स है इसको मैंने पील कर लिया है। अब इसे मैं कढ़ाई में ये करूँगी, सैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो आप देख सकते हैं अभी मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ ताकि मैं इसको ये करूँगी। अभी इधर मैं चेक कर रही हूँ मेरा ये ओनियन और टोमेटो और मसाले सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं अच्छा कलर भी आ रहा है। अब मैं ये जो एग्स है इसमें थोड़ा सा फोर्क से क्या करती हूँ, होल कर देती हूँ। इससे क्या होता है, जब भी आप ये तेल में डालेंगे तो ऑयल जो है वो स्प्लैश नहीं होगा। अब ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है, तो मैं 2 कप पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा स्टर करके को थोड़ा सा बॉईल होने डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें जो मैं एक जिसको सैलो फ्राई कर रही हूँ, इसमें आप चाहे तो फ्राइड एग में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और एग्स का जो स्मेल है वो चला जाता है। फ्राइड एग्स को ग्रेवी जो हमारा बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी से बॉईल आ चुकी है। इसमें 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट डाल के और मैं एग्स को डाल दूँगी। देख सकते हैं मैंने एग्स अब डाल दिया है और इसको कवर करके रखा था, तो आप देख सकते हैं अब इसमें बॉईल आ चुका है। और इसको 5 मिनट और पकने दूंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी गाढ़ी जो ग्रेवी होती है अच्छी लगती है। अब इसमें मैं 5 मिनट बाद जब गैस स्टोव बंद करूँगी तो बारीक कटी हुई धनिया होती है ना, धनिया पत्ता, वो कोरिएंडर लीव्स, वो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा और पकने के बाद। तो तब तक मैं धनिया पत्ता काट लेती हूँ और अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा स्टर करके फिर मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। 5 से 10 मिनट में ये कुक हो जाएगा। एक्चुअली मैं गैस स्टोव बंद होने के बाद ना 5 से 10 मिनट तक इसको कवर करके रखती हूँ, जिससे क्या होता है जो स्टोव का जो हीट है उससे और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और जो कोरिएंडर लीव्स है वो भी पक जाएगा। तो अब मैंने प्लेट में ले लिया है खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। और आप अगर कुक करते हैं घर पर तो मुझे बताएं आपका एक करी कैसा बना, ज़रूर शेयर करें। आज का वेदर अच्छा है और सानवी ने लंच करने के बाद कहा कि बाहर चलते हैं, तो हम लोग बोले हाँ अच्छा भी है और आज संडे भी है और ईस्टर डे भी है, तो हम लोग सब इंजॉय करेंगे। और सानवी की फ्रेंड भी आ गई,
तो दोनों मिलके अभी कुछ कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कलरफुल चॉक्स है सानवी और मैरिलिन दोनों के पास, और दोनों वेदर को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। वेदर सनी है बट विंडी हो रहा है, तो अच्छा वेदर है और आज टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो बच्चों के लिए भी इससे अच्छा दिन क्या हो। जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है ये हमारे लाइक विंडो के जस्ट अपोजिट है, तो जब भी मैं शाम का चाय पीती थी तो बहुत अच्छा लगता था देखने में। लाइक लास्ट ईयर सितंबर से ये बिल्डिंग बनना शुरू हुआ था और अभी देखिए आप बन के बिल्कुल कंप्लीट है, कितना अच्छा लगता है ना। जब वैसे भी यहाँ पे कैसे थोड़ा सा लोनलीनेस होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह बहुत क्राउडेड या अपने जैसे बालकनी से बहुत सारे व्यूज़ दिख जाते हैं, बहुत सारे शॉप दिख जाते हैं, वैसे नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे विंडो से कुछ नया दिखता है, ग्रीनरी आपको दिखेगा तो बहुत अच्छा लगता है। अभी बच्चे एक हंटिंग खेल रहे हैं और हमारा बनी भी वेदर को अच्छे से इंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं। Hello, Bittu. Both can hide. I will. No, that's only a stone. That is hard. He makes a noise. Bunny face clean कर रहा है। जब भी face clean करता है ना bunny इतना cute लगता है, इतना cute लगता है। Both of the colors are same. Oh my god, face clean करता हूँ। आज बनी भी फुल मूड में इतना एंजॉय कर रहा है, आपको दिख रहा होगा इतना हॉप कर रहा है, जंप कर रहा है, खेल रहा है और इतना फास्टली कि मुझे इतना अच्छा लगता है ना सी। हेलो बेटू, बहुत मज़े आ रहे हैं आपको। बनी का नाम अगर आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे बंजी है। अभी हमारे जो नेक्स्ट जो नेबर है वो भी आ गए हैं। यहाँ पे अच्छा वेदर होता है तो सब बाहर निकलते हैं, और अभी कोरोना का टाइम है तो लोग ज़्यादा मॉल में या लेक पे कहीं भी क्राउडेड प्लेस में नहीं जाते, तो अभी बहुत लोग दिख जाते हैं। We had her out at once, long time ago, but yeah, they're great. दोनों अब फुल मस्ती कर रहे हैं बनी के साथ, और बनी भी बहुत एंजॉय कर रहा है। सुजीत देखो।
कोविड-19 की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत हो गई है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर जो कि मैं हर वीकेंड पे आपको घर पे नहीं दिखती, मैं बाहर ही रहती थी, चाहे वो मॉल हो चाहे कुछ न्यू प्लेस एक्सप्लोर करना हो। बट अभी 1 साल से कहीं क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाती हूँ, सांवी को आसपास ही लेके खेल लेती हूँ। ओनली दिस वे, कम बैक। स्लोली। एक्चुअली 2-3 दिनों से वेदर काफ़ी कोल्ड था, तो फिर बच्चे बाहर नहीं खेल पाते थे, तो आज अच्छा वेदर भी है और आज ईस्टर डे भी है, तो परफेक्ट टाइम है। पुट हर डाउन वेरी स्लोली। बनी ना सुजीत के पास बहुत प्यार से रहता है। अभी सुजीत के पास जाता है तो फिर कहीं नहीं जाता है, ना मेरे पास ना सानवी के पास। और अभी ये भाग भाग के सानवी और मैलिन के साथ थक गया है, तो अभी रेस्ट कर रहा है। अब हम लोग वापस घर जाएंगे, क्योंकि अब हम सब काफ़ी थक गए हैं, तो अभी हम लोग घर जाके अच्छी सी अदरक वाली चाय पियेंगे और लेट्स सी। That's okay. You got so many Easter eggs. Wow. सानवी को बहुत सारे eggs मिले, तो सबको एक एक करके चेक कर रही है। बच्चों को कितना एक्साइटमेंट होता है ना, सीरियसली ये टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। Hi guys, today I will be showing you this candy. This candy is smelling like bubblegum. Do you smell it? But you already got it, Sanu. So many chocolates, oh my god. हम देख सकते हैं सानवी को कितने सारे eggs मिले। I'm eating chewing gum, I'm not swallowing. Oh, that's okay. Hi boys and girls, today I will taste here and learn with this chocolate. So, and what it feels like. So this feels soft, and this doesn't heal any noise. But anyways, now let's taste it. Pretty hard. Like guys. Is it yum? Yeah, but it's hard. That's okay. But this is the lacquer. There was a lot of eggs. Look. हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी सानवी को बहुत सारा एग्स ला के दिए। When mom was not recording the video, I ate two. You go. आज संडे इवनिंग है, तो सानवी के मूवी का टाइम हो गया, तो हम लोग चाय पीते हुए मूवी देख रहे हैं। और आज काफ़ी टाइम लग गया बाहर, सानवी अपने फ्रेंड के साथ खेलने में इतनी बिजी थी, आज आना ही नहीं चाहती थी, तो फिर हम लोग भी काफ़ी थक गए हैं, तो आज मूवी इसलिए हम लोग काफ़ी लेट स्टार्ट किए। हर सैटरडे संडे सानवी का टाइम होता है, लाइक सानवी बताती है वो कौन सा मूवी वॉच करना चाहती है। और आजकल तो बच्चों के मूवी भी इतने अच्छे होते हैं कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है देख के, तो मैं और सुजीत दोनों ही सानवी की मूवी बहुत एंजॉय करते हैं। और बच्चों के इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी के साथ मूवी आते हैं कि अच्छा लगता है देखने में, तो कभी ऐसा बोर नहीं फील होता, चाहे वो डिज्नी की कोई मूवी हो या कोई भी। सब हम लोग पहले ही से डाउनलोड करके रखते हैं या फिर ऑनलाइन देखते हैं।
मैंने एक मूवी देखी थी बच्चों की, ओवर द मून, जो कि इतनी अच्छी मूवी है, और सानवी तो उस मूवी को 15 से 20 टाइम देख चुकी है। इतना पसंद आया वो मूवी, और सीरियसली बहुत अच्छी मूवी है। बच्चों की मूवी तो बहुत अच्छी होती है। मुझे तो अब मुझे सही में, पहले मैं नहीं देखती थी कभी, बट सानवी के होने के बाद अब मैं बच्चों की मूवी बहुत प्यार से देखती हूँ। आज की इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। आपको कुछ कहना है? यू वॉन्ट टू से समथिंग? Yes. So, well, everyone, Mama's making this video because she wants to get 0 subscribers, and that's what she wants. So that's why she makes all the videos to get 0 subscribers. Why you always want me to get 0 subscribers? You are very naughty. Because I want to get 0 subscribers on my YouTube channel. Oh, this is your YouTube channel? No, this is your YouTube channel. I have my YouTube channel. Okay, now say bye-bye, good night. Bye-bye, good night.